नमस्कार, मैं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। मंगलवार शाम को बायतू विधानसभा से बसपा प्रत्याशी किशोर सिंह कन्नौर के गांव कन्नौर में बसपा कार्यालय स्थित पर बूथ पर बैठने वाले बसपा कार्यकर्ताओं को व बसपा पार्टी के सदस्यों को मतदान को लेकर विचार विमर्श किया गया और शांतिपूर्वक प्रचार के लिए सुझाव दिए गए और प्रचार के समय शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखने व गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करने व मतदाताओं को आपसी प्रेम भाव के साथ बातचीत करने को लेकर किशोर सिंह कन्नौर ने बसपा कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। किसी भी प्रकार के नशा प्रवृत्ति जैसे शराब आदि से दूर रहने लेकर मंच के माध्यम से बात कही। आदर्श आचार संहिता का पालन करने की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। कार्यक्रम में बायतू व गीड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन चंद्र प्रकाश कोटेचा ने किया। किशोर सिंह, सवाई सिंह, धन सिंह, बाबू सिंह, पर्वत सिंह, धनराज वेगड़, कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी। किशोर सिंह कन्नौर ने बताया कि हमारे चुनाव को लेकर आंकड़े आ रहे हैं, उसी हिसाब से कांग्रेस बीजेपी को छोड़ आरएलपी पार्टी से सीधे मुकाबला है और हमारी ज्यादा वोटरों को लेकर बढ़त है। कार्यालय में आए इस सभी कार्यकर्ताओं का किशोर सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। 50% इन भीड़ में सीरा जो को है बंधु है 50%। मैं भी भाजपा में भी रहता और कांग्रेस में तो यही कोनी। पिछली बार पंचायत राज चुनाव में मैं एक लाइफ जरूर दियो के भाई हमके बीजेपी दिन पर प्रधान कांग्रेस रहा बनाना कैलाश की ओर मैं 3 पंचायत समितियां बना दी। मैं पंचायत समिति था बना दी तो प्रधान मैं पर बना पढ़ाने बार और जो जोश है इन जोश ने 7 तारीख तक कायम रखना है और विशेष कर तो वो जो को मेघवाल भाई ने कहूँ कि जय भीम पहला कड़ी सोनो सोनो बोलता है तो खुल नहीं बोलता इन बार यदि पूरे राजस्थान रे में जय भीम रा नारा इन भाई तुरे में लाग रही है। जय भीम एड़ा नारा राजस्थान रे में पहली बार लाग रही है सिर्फ भाई तुरे में। डॉक्टर अम्बेडकर ने हर रात रो और दिन रो जगा रिया है अम्बेडकर नीतियों रे माते चल और अम्बेडकर नीतियों रे माते आ पार्टी बनी है और आ पार्टी एससी बनावना जरूर है अपने पार्टी में 37 कौम रहा बहुजन रो मतलब आया करे 37 कौम और 37 कौम जाग चुकी है और मारो तो वही हाथ जोड़ने निवेदन है कि आप रहो जोश 7 तारीख तक कायम रख दो। मारे कने पिछले 3-4 दिन फोन आ रही है पूर्व मीटिंग हती कांग्रेस वाला रही उन्होंने बाद में सुबह 4 बजे फोन आना रोजावा रात रो 2 बजे तक मारे कने फोन आवे राजपूतों फोन नहीं आ रही है राजपूतों वही मैं खुद फोन करूँ भाई था कई जगह संपर्क करो तो क्या मैं कटे जावन कटे नहीं जावन देखो क्या मोड़ियों के कैला जी कहूँ के इन कोई कह रही जी कहूँ के और मेघवाल खुला कह रिया है उन जगह के थोड़ा के ओटे उतारो में जाओ ओटे दर्जियों में जाओ रात रो फोन करे दिन रो फोन करे उतकड़ों भी फोन है तो हर आदमी रो फोन उठाया करूँ तो ये तो उत्साह है ये तो जोश है जितो राजपूतों में जोश नहीं है इतो ऐसी लोगों में जोश है एनआरू में ऐसी जो भी बंधु है मेघवाल भाई रो आभार प्रकट करूँ कि आप इतो सने और इतो उत्साह मने दे रही हो जबकि मारे आप रिको में आज तक तो होती है आज तक पूरी जागुड़ी नहीं है आधी नींद में तो जो भी राजपूत भाई है बंधु उन्हें जो नींद में है जो घरे बैठो है और हुतो है उन्हें नींद आई उड़ी है तो उन्होंने कहो कि भाई सारे नींद उड़ा आंखों धो कौन लग जा क्योंकि हमें खेती लगभग पकौड़ी है और वह खेती कह हिटिया वह हिटिया घूमने ने वो खड़ो लेना है तो वो खड़ो पर 7 तारीख राम पे जागता नहीं रिया तो वो खड़ो को एक डोंडा खाई रहा क्योंकि औकलिया बर्द वगैरह हमारा वो पशु बहुत ही ज्यादा सोड़ उड़ा है और राज तरफ सरकार तरफ कोई किशोर सिंह ने पता किया है हमारा लाडला भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो एक ही ना रोकू आपने कि हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।